दिल्ली पुलिस की शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के साइबर पुलिस थाने ने एक ऐसे जालसाज को गिरफ्तार किया है जो वैष्णो देवी के टूर के नाम पर भोली भाली महिलाओं को अपनी ठगी का शिकार बनाया करता था। पुलिस के मुताबिक 25 फरवरी को कृष्णनगर की रहने वाली शिकायतकर्ता अनामिका ने शिकायत दी थी कि उन्हें माता वैष्णो देवी के टूर पैकेज के बारे में सोशल मीडिया ग्रुप पर एक मैसेज मिला है जिसमें यात्रा के लिए बहुत ही लुभावनी पेशकश की गई थी, यानी 1300 रुपए में प्रति व्यक्ति बस शुल्क जिसमें भोजन भी शामिल है। इसके साथ ही घोड़े के माध्यम से माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने तक का खर्चा शामिल था। शिकायतकर्ता महिला ने भी आनन फानन में मैसेज को देखने के बाद QR कोड पर पैसे भेज दिए। दिए गए विज्ञापन में महिलाओं को एक जगह इकट्ठा होना और यात्रा की शुरुआत 17 फरवरी को लग्जरी बस के माध्यम से निर्धारित किया गया था जो शाहदरा मेट्रो स्टेशन के पास फ्लाईओवर के नीचे खड़ी मिलनी तय थी। ऐसे में जब निर्धारित समय पर शिकायतकर्ता और अन्य 24 महिलाएं फ्लाईओवर के नीचे पहुंची तो उन्हें वहां पर कोई बस नहीं मिली। वहीं शिकायतकर्ता ने देखा कि अन्य महिलाओं का एक ग्रुप उसी बस की तलाश में वहां खड़ा था और काफी देर तक इंतजार करने के बाद मैसेज में दिए गए नंबर पर कॉल करने की कोशिश की लेकिन वो स्विच ऑफ मिला, जिससे महिलाओं को अंदाजा हो गया कि वो ठगी का शिकार हो चुकी है। बताया जा रहा है कि करीब 50 से 60 महिलाओं को अब तक वैष्णो देवी यात्रा और दर्शन के नाम पर ठगा जा चुका है। अब जब पुलिस ने शिकायतकर्ता के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू की तो बैंक डिटेल और मोबाइल नंबर की मदद से आरोपी की पहचान मधुर कुमार के रूप में हुई जो हरियाणा के पानीपत का रहने वाला था। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को उसके पानीपत के ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया। वहीं पूछताछ करने पर बताया कि उसने सोशल मीडिया से तरकीब सीखी थी जिसमें फेसबुक पर लोग ऐसा कर रहे हैं और वो भी ऐसा कर सकता है। इसके अलावा गहन पूछताछ में भी बताया गया कि इससे पहले भी वो इस तरह की घटना को अंजाम दे चुका है जिसमें शिकायत दर्ज नहीं हुई और बच गया, जिसके चलते उसने फिर से ऐसा दुस्साहस किया है।